नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वःा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है एकता और समता का आदर्श। राष्ट्रीय एकता का वास्तविक तात्पर्य है मानवीय एकता। मनुष्य की एक जाति है, उसे किन्हीं कारणों से विखंडित नहीं होना चाहिए। भाषा, क्षेत्र, समुदाय, जाति, लिंग, धन, पद आदि के कारण किसी को विशिष्ट एवं किसी को निष्कृष्ट नहीं माना जाना चाहिए। सभी को समाज में उचित स्थान और सम्मान मिलना चाहिए। उपरोक्त कारणों में से ही किसी का भी यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि अपने को बड़पन के अहंकार से बड़े और दूसरे को है समझे। कई प्रांतों में संप्रदाय विशेष के सदस्य होने के कारण अथवा पृथक भाषा भाषी होने के कारण अपने वर्ग वर्ण को पृथक मानने और राष्ट्रीय धारा के कट कर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने की प्रवृत्ति चल पड़ी है। उसे शांत करने के लिए वैसे ही प्रयत्न ही एवं जाने चाहिए। जैसे अग्निकांड प्रारंभ होने पर उसके फैलने से पूर्व ही किए जाते हैं समता और एकता के उद्यान उजाड़ डालने की छूट किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। देश को प्रेम से जीता जाता है। विग्रह को तर्क तथ्य प्रमाण प्रस्तुत करते हुए वेगपूर्ण शांत किया जाता है। इसलिए दुर्भाव और विग्रह के पनपते ही उनके समन समाधान का प्रयत्न करना चाहिए। यह सहम्यक उपहार है जो देश का बुरा चाहने वालों को दुर्विसंधि के कारण उठ खड़े हुए हैं। यह विश्वेली पानी न मिलने पर समयानुसार सूख जाएगी। पर कुछ व्याधियां ऐसी है जो चिरकाल से चली आने के कारण प्रथा पटी पाटी बन गई है और उनके कारण देश की क्षमता तथा एकता दुर्बल होती चली आई है। समय आ गया है कि उन भूलों को अब समय रहते सुधार लिया जाए, अन्यथा यह चढ़ते हुए फोड़े समूचे शरीर को विषैला कर सकते हैं। जब सभी मनुष्य की संरचना रक्त मांस की बनावट एक ऐसी है तो उनमें से किसी ऊंचा किसी नीचा कहा जा सकता है। उच्च नीच तो सत्कर्म और कुकर्म के कारण बनते हैं। उसका जाति वंश से कोई संबंध नहीं है। धर्म एक है। संप्रदायों का प्रचलन तो समय और क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार हुआ है। उनमें से जो जिसे भावे वह उसे अपनाए। खाने पहनने संबंधी विभिन्न रुचियों को जब सहन किया जाता है तो भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा भिन्न परंपराओं का अपनाया जाना किसी को क्यों बुरा लगना चाहिए। एक बगीचे में अनेक रंगों के फूलों हो सकते हैं तो एक देश में अनेक संप्रदायों के प्रचलन में ऐसी क्या बात है जिसके कारण परस्पर विद्वेष किया जाए और एक दूसरे को नास्तिक या अधर्मी कहकर निंदनीय बताया जाए। संप्रदायों की एकता पर हम सब को पूरा जोर देना चाहिए। भाषाओं की भिन्नता पर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अनेकता और हटाकर हमें भाषीय एकता अपनानी चाहिए ताकि
समुच्चे देशवासियों अपने विचारों का आदान प्रदान सरलता के साथ कर सके। नर नारी के बीच बढ़ता जाने वाला भेदभाव तो और भी निंदनीय है। हम अपने ही माताओं, पुत्रियों, बहनों, पत्नियों को है दृष्टि से देख यह कैसी अनीति है। इस भूल को अपनाए ने रखने पर आधा समाज पक्षघात पंडित की तरफ अपंग रह जाता है। परिवार वैसे नहीं बन पाते जैसे कि सुयोग्य गुरु लक्ष्मी के नेतृत्व में वे बन सकते हैं। भारतीय संस्कृति के दो प्रमुख आदर्श है, एक वसुंध कुटुंबकम, दूसरा आत्मवतम सर्वभूतेषु। इस दोनों का हृदयगम करने पर एकता और समता को ही मान्यता देनी पड़ती है। इन आदर्शों को हमें किसी देश, क्षेत्र, संप्रदाय के सुधार तक ही सीमित न रखकर विश्वव्यापी बनाना चाहिए, ताकि समुचित मनुष्य जाति सुख शांति से रह सके और सर्वतोमुखी कर सके। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।